एक बार बाइट में 8 बार काट लेता है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ब्रह्मांड का सबसे जहरीला सांप, ब्रह्मांड का सबसे जहरीला सांप जिसके बारे में आप बहुत दिनों से हमें कमेंट कर रहे थे। बहुत सारे मित्र ये कह रहे थे बापिदा इस सांप के बारे में बनाइए, बहुत सारा वीडियो यूट्यूब में बना हुआ है लेकिन इतना विस्तार पूर्वक नहीं बना जो आज हम बनाने जा रहे हैं। आप सभी को अनुरोध है वीडियो का अंत तक जुड़े रहेंगे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि सांप के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा आदमी को जानकारी मिले। दोस्तों आज बात करने वाले हैं वर्ल्ड का ब्रह्मांड का सबसे जहरीला सांप इनलैंड ताइपन। जी हाँ, इनलैंड ताइपन, इसका नाम ही सुनते ही आदमी का शरीर में सिहरन सा चढ़ दौड़ जाता है क्योंकि ये सांप का जहर इतना खतरनाक है, इतना खतरनाक है कि ये एक बार बाइट में कम से कम 180 से 200 मिलीग्राम तक जहर इंजेक्ट कर सकता है। और ये सांप एक बार जहर में लगभग 100 वयस्क इंसान उसके साथ 250 चूहों को एक बूंद का जहर से मार सकता है। उसके साथ साथ इसका जो जहर होता है ये हाईली न्यूरोटॉक्सिन, और ये जब बाइट करता है उस समय में शरीर में अलग अलग रिएक्शन होता है। सबसे पहला मातली छाता है, उल्टी आता है, पेट में दर्द होता है। उसके साथ साथ अद्भुत चीज़ है, ये सांप में किडनी में असर करता है। जो भी ज़्यादातर न्यूरोटॉक्सिन में किडनी में असर नहीं करता है लेकिन ये सांप में डायरेक्ट किडनी को फेल करता है। आपको पैरालिसिस के साथ पूरी तरह लकवा के साथ सिर्फ 30 से 35 मिनट में ये आपका जान ले लेता है। लेकिन ये सांप इंसान के लिए खतरा नहीं है। क्यों खतरा नहीं, इसके बारे में विस्तार पूर्वक बात करेंगे। उससे पहले आप सभी को अनुरोध है कि हमारा चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किए जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए और लाल बटन जो है प्रेस कीजिए ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा सांप के बारे में नॉलेज मिल पाए। दोस्तों ये सांप इनलैंड ताइपन एलिपिड परिवार का है और ये सांप 19वीं शताब्दी में इसका खोज हुई थी। उसके बाद इसको जब तक इसका नमूना नहीं देखा गया तब तक इसके बारे में पूर्ण रूप से किसी का पास जानकारी नहीं था। 90 साल का बाद फिर इस सांप को जब देखा गया तब इसके बारे में खोजबीन के साथ इसको विस्तार पूर्वक इसकी जानकारी हमें प्राप्त हुआ और हम इसके बारे में आज बता पा रहे हैं। तो दोस्तों इनलैंड ताइपन बहुत ही खतरनाक, ये ज़्यादातर जो जनबोल एरिया है, मनुष्य का जो बस्ती है वहाँ से बहुत दूर ऑस्ट्रेलिया का आउटब्रेक में ज़्यादा ये पाया जाता है और बहुत कम संख्या में ये पाया जाता है। ये इनलैंड ताइपन जो है शुष्क एरिया में रहना पसंद करता है और ये पहाड़ी दरार जो मिट्टी पत्थर का दरार है उस दरार में ज़्यादा पसंद करता है। कभी कभी ये अपना शरीर को पूरा छुपा के अपना शिकार को डायरेक्ट जो है अटैक करता है, मारता है। और ये सांप में सबसे बड़ी खासियत है, ये सांप जो है एक बार में 12 से 24 अंडा देता है लेकिन इसका बच्चा बहुत कम निकल पाता है, बहुत ज़्यादा 2-3-4, ज़्यादातर 2 ही बच्चा इसका अंडा से निकल पाता है जिसके लिए इसका जो संख्या कम है। और ये सांप जो है इनलैंड ताइपन जब भी किसी मनुष्य को या किसी को बाइट करे सिर्फ इसका जहर 35 से 45 मिनट के अंदर में ही इंसान को मार डालता है। इसका कोई एंटी वेनम नहीं है, अभी तक इसका कोई एंटी वेनम नहीं बना है, ना इस सांप से आज तक ज़्यादातर आदमी को मौत हुआ है। और ये सांप जो है इनलैंड ताइपन सबसे बड़ी बात है, इसका पास अद्भुत एक कला है जो किसी और सांप में नहीं है। इसका पास अद्भुत कला है, ये अपना ज़्यादातर ठंडे के मौसम में ये अपना जो बॉडी का कलर जो है अलग अलग रंग चेंज करता है, कभी गहरा हरा, पीला, भूरा और गहरा काला, ये सभी अलग अलग रंग से ये समय अनुसार रंग बदलता है। जैसे जैसे धूप बढ़ते जाता है उस हिसाब से ये रंग बदलता है। और इसका बॉडी का निचले वाला पार्ट जो है मलाईदार बटर की कलर का होता है, बटर मलाई टाइप का कलर होता है, बहुत सॉफ्ट होता है। और ये सांप को खतरा किससे है, दुनिया का 2 सांप है, एक किंग ब्राउन स्नेक और एक बड़े छिपकली जो है कोमोडो ड्रैगन या बड़े मॉनिटर लिज़र्ड, ये 2 से इसको ये डायरेक्ट इसको खा बैठता है। लेकिन और एक खासियत है, ये सांप जो है इसको खाना अक्सर नहीं मिलता, ये जब बहुत प्रचुर परिमाण में बहुत ज़्यादा मात्रा में इसको खाना मिलता है तभी ये अंडा देता है। ताइपन का वयस्क आयु 20 साल का है, 20 साल तक ये जिंदा रहता है और इसका लंबाई 6 से 8 फीट तक होती है, 6 से 8 फीट तक इसका लंबाई होती है। उसके साथ साथ ये सांप जो है अपना गहरे काला रंग जो सिर का पार ये क्या करता है पूरे बॉडी को पालू के अंदर में छुपा देता है, बाहर में सिर्फ मुंडी सिर जो है दिखाई पड़ता है, तभी वो कभी कभी बिल के अंदर से या
कोई दरार के अंदर से ही शिकार करता है। ये सांप को सबसे ज़्यादा विषैला इसीलिए रखा गया है कि ये सांप दुनिया का सबसे विषैला है, लेकिन सबसे खतरनाक माना नहीं किया जाता है। अगर खतरनाक का सूची में माना जाए तो ये सांप सबसे नीचे आता है, क्योंकि इससे खतरा इंसान का कम रहता है कि ना इंसान का बस्ती में रहता है ना इंसान का आसपास ये पसंद करता है। ये बहुत शर्मिला होता है, बहुत शांत स्वभाव का होता है, लेकिन बहुत फुर्तीला होता है। समय पर ये बहुत ज़्यादा आक्रामक अटैक करता। और एक खासियत है, ये ऐसा अद्भुत इसका पास कला है कि एक बार बाइट में 8 बार काट लेता है। एक बार जब ये बाइट अटैक करता है, स्ट्राइक मारता है, 1 स्ट्राइक में 8 बार काटने का इसका पास क्षमता है। अद्भुत, ये और कोई सांप में नहीं हो, एक बार स्ट्राइक में 8 बार मार ले, बाइट कर लेना। सोच लीजिए उतने बार में कितने जहर डाल सकता है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इसके नेक्स्ट वीडियो हम आते हैं दुनिया का सबसे खतरनाक स्पिटिंग कोबरा के बारे में बात करेंगे। और आज हम निकल रहे हैं उड़ीसा भुवनेश्वर के पास जा रहे हैं एक मरीज को देखने के लिए। जितने भी हमारे मित्र हैं, अगर हमसे मिलना चाहते हैं तो भुवनेश्वर में काल परसों 2 दिन हमें उनसे मीट कर सकते हैं। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।